स्वागत है आपका केपीपीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। महाशिवरात्रि का दिन त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को समर्पित है। ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की जीवन भर की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। यही वो शुभ दिन था जब दोनों की शादी हुई। मिर्जापुर की नगर विधायक रत्नाकर मिश्र द्वारा महाशिवरात्रि के दिन तीन कन्याओं की विधि विधान से शादी कराई जाती है। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र द्वारा पिछले 23 वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के साथ तीन गरीब कन्याओं की शादी खुद के आंगन में कराई जाती है। विधायक का पूरा परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, वर और वधु पक्ष के लिए विशेष तरह का स्वागत, विशेष पकवान, बारातियों का स्वागत, कन्याओं का कन्यादान, पूरी रात शादी का रस्म वैदिक मंत्रों पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। गरीब परिवार के कन्याओं को गृहस्थी का पूरा सामान, दूल्हे को यथा उचित उपहार स्वरूप विधायक परिवार के द्वारा गृहस्थी का सामान दिया जाता है। सैकड़ों लोग दोनों पक्षों के विभिन्न प्रकार के पकवानों का लुफ्त उठाते हैं। सत्ता पक्ष के एक दमदार जन प्रतिनिधि द्वारा समाज के पिछले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के बेटियों का हाथ पीला कराते हैं। नगर विधायक व उनकी पत्नी, पूरा परिवार हिंदू रीति रिवाज से हो रहे शादी में कन्यादान से लेकर पूरे दिन व्रत रहते हैं। विधायक रत्नाकर मिश्र कहते हैं कि इससे बड़ी मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब मैं विधायक नहीं था, यानी 23 वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन तीन कन्याओं का शादी करने का सौभाग्य मिलता है। एक सैकड़ा कन्याओं के पिता विधायक आत्मसंतुष्टि से लबालब रहते हैं। कहते हैं कि कन्यादान महादान है। नगर विधायक का पूरा परिवार मनोयोग से शादी समारोह में शामिल होता है। संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। आपके यहाँ एक शादी हो रही है, ये कितने वर्षों से हो रही है? मेरा सौभाग्य है कि मैं त्रिरूप के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का शादी करने का सौभाग्य माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी स्वरूपा के उसमें मैं शादी कराते हैं और कन्यादान देते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन काल में हो ही नहीं सकता। शादी का ये कौन सा वर्ष है कि यह समझते हैं कि 2001 या 2 से मैं निरंतर शादी कराता आ रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन इतना दिन हो गया 2001 या 2 से मैं शादी कराता आ रहे हैं त्रिरूप के उसमें, और मैं श्रद्धा पूर्वक कन्यादान करते हैं, उन लोगों का घर में शादी कराते हैं, आप देख ही रहे हैं, द्वार पूजा करते हैं, बारात उठवाते हैं, यथाशक्ति जो मुझसे बन पड़ता है अच्छत अच्छत दान करने का मैं। आप इतने बेटियों के पिता हैं, क्या महसूस करते हैं शादी कराते हैं? इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं हो ही नहीं सकते। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी का भी वही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज के हर लोग अगर इसका चालू कर देंगे अनुष्ठान, तो समझ लीजिए भारत देश जो मोदी जी का सपना है 2047 तक उनका है, लेकिन 10 वर्षों में ही उससे ज़्यादा छलांग लगाकर पूरा कर लिया। आपके इस कार्यों से और लोगों को प्रेरणा मिले तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहेंगे कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अगर कुछ दान करना है तो गरीब कन्याओं का शादी कराकर उनका करे, यह मतलब आजीवन आपके काम आएगा। धन्यवाद।